नेक्स्ट फाइलम है एनेलिडा। जो एनेलिडा टर्म है वो एनुलाई से डराइव हुई है। यहाँ पे एनुलाई का मतलब क्या होता है? रिंग होता है। जो एनेलिड्स होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? मेटामियर्स बोला जाता है। तो एनेलिड जो होते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, उनको मेटामियर्स बोला जाता है, बॉडी के सेगमेंट्स को। और यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? रिंग लाइक ग्रूव्स की वजह से होते हैं। और उन रिंग लाइक ग्रूव्स को क्या बोला जाता है? एनुलाई बोला जाता है। और इसी वजह से जो एनुलाई टर्म है उसी से ही एनिलिडा डिराइव हुआ है। तो एनिलिडा ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, और इनकी बॉडी में जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटामियर्स बोला जाता है। और जो एनेलिड्स होते हैं उनमें सबसे पहले ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। ट्रू सिलोम सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? एनेलिड्स में देखने को मिलता है। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू। और ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। और ट्रू सिलोम में भी साइजोसील, साइजोसील क्या होता है? यहाँ पे जो मीजोडर्म होती है वो एज ए स्कैटर्ड पाउच में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे ट्रू सिलोम में भी साइजोसील देखने को मिलता है। तो एनेलिडा में अपन ने क्या देखा? एनेलिडा में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेटामियर्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। और ट्रू सिलोम भी कौन सा वाला? साइजोसील प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उनके हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं? पैरासिटिक भी होते हैं। जैसे जो लीच होती है वो क्या होती है? एज ए पैरासाइट रहती है। और अर्थ फॉर्म की बात करें तो अर्थ फॉर्म क्या होता है? फ्री लिविंग होता है। ये एक्वेटिक भी होते हैं, मैराइन भी हो सकते हैं, और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं जैसे कि नीरीज। और टेरेस्ट्रियल होते हैं जैसे लैंड पे भी रह सकते हैं जैसे अर्थवॉर्म। पैरासाइट भी हो सकते हैं जैसे लीच जो होती है वो एज ए पैरासाइट रहती है, और अर्थवॉर्म होता है वो एज ए फ्री लिविंग रहता है। और इसमें अपन को क्या देखने को मिलते हैं? ट्रू सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। और उन ट्रू सेगमेंट्स को क्या बोला जाता है? मेटामियर्स बोला जाता है। और यहाँ पे जो पहला सेगमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम बोला जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। ये इनकी बॉडी है, और इनकी बॉडी में क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होता है। मतलब इनकी बॉडी में क्या होती है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है। और इनकी बॉडी में ये क्या प्रेजेंट होते हैं? सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। और इनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। और ट्रू सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो एक्सटर्नल सेगमेंट होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं इंटरनल सेगमेंट के साथ में। तो ये अपन को दिख रहे हैं ये क्या है? मेटामियर्स है। तो इनकी बॉडी में अपन को क्या देखने को मिलता है? ट्रू सेगमेंटेशन मतलब जो एक्सटर्नल सेगमेंट होता है वो कोइंसाइड करता है इंटरनल सेगमेंट के साथ। और ऐसे सेगमेंटेशन को क्या बोला जाता है? ट्रू सेगमेंटेशन बोला जाता है। और यहाँ पे जो सेगमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेटामियर्स बोला जाता है। और जो पहला सबसे पहला वाला जो सेगमेंट है उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम बोला जाता है। ये जो बॉडी का पहला वाला सेगमेंट है उसको क्या बोला जाता है? पेरिस्टोमियम बोला जाता है। नेक्स्ट इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लेटीहेलमिंथिस में अपन ने देखा था वहां पे क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिंथिस के बाद में। एस्केहेलमिंथिस में अपन को क्या देखने को मिला? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। उसके बाद में अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनेलिडा पढ़ रहे हैं। और एनेलिडा में भी अपन को क्या देखने को मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया? एस्केहेलमिंथिस से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट इन अपन को इनमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री कहाँ से शुरू हो गई थी? प्लेटीहेलमिंथिस से बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। और प्लेटीहेलमिंथिस के आगे जितने भी फाइलम है उन सब में बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री मतलब इनकी बॉडी को अपन सिर्फ एक प्लेन में ही, ओनली इन वन प्लेन, दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं। और प्लेटीहेलमिंथिस से अपन को बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। प्लेटीहेलमिंथिस के बाद में एस्केहेलमिंथिस थे, राउंड फॉर्म्स थे, उनमें भी अपन को क्या देखने को मिली? बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिली। उसके बाद में एनिलीड्स हैं जिनमें क्या होता है? ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी अपन को बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिली। नेक्स्ट बात करें अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये क्या होते हैं? इनमें तीन जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। और इनमें एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट प्रेजेंट होता है, मतलब माउथ भी प्रेजेंट होता है और माउथ के साथ साथ एनस भी प्रेजेंट होगा। इनमें लोकोमोशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें लोकोमोशन के लिए काइटिन के बने हुए सीटे प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन के लिए इनमें कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं?
काइटिनस सीटे प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? काइटिनस सीटे प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। काइटिन के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं सीटे, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और इनकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी होते हैं, उसके साथ साथ सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों ही किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से हुए? काइटिन से बने हुए सीटे हुए, और उसके साथ साथ क्या हुआ इनमें? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हुए। नेक्स्ट, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखें अर्थ फॉर्म का, तो अर्थ फॉर्म में अपन को क्या देखने को मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो किस में होता है? ब्लड वेसल्स में। यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। अर्थ फॉर्म का जब सर्कुलेटरी सिस्टम पड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है? हर्ट प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, डोर्सल ब्लड वेसल होती है जैसे। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो होता है वो किस में होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है? क्लोज होता है, ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, हर्ट प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो हर्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? डॉर्सली प्रेजेंट होता है। और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हीमोग्लोबिन होता है वो जनरली कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी में प्रेजेंट होता है। बट यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्लाज्मा में ही डिजॉल्व होता है, ये याद रखना। और कुछ एनिलीड्स में एक पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोक्रियोरेन पिगमेंट होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज होता है, ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, हर्ट प्रेजेंट होता है, और वो भी डोर्सली प्रेजेंट होता है। तो एनिलीड्स ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले हर्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हर्ट कहाँ देखने को मिला? एनिलीड्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यहाँ पे क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं, और यहाँ पे जो नेफ्रिडिया का फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं? नेफ्रिडिया होते हैं, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इनकी बॉडी में जो वाटर और आयन का बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल की बात करें तो ये क्या होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, मतलब इनमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या होता है? हाईली टॉक्सिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या होता है? अमोनिया होता है। नेक्स्ट, इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग प्रेजेंट होती है और नर्व कोड प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे जो नर्व कोड होती है वो क्या होती है? वेंट्रल नर्व कोड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले एनिलीड्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इनमें रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? जो रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा हो उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है? हाईली वेस्कुलर होती है, मतलब स्किन में क्या होती है? हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत सारा ब्लड सप्लाई होता है, और इनकी स्किन क्या होती है? मोइस्ट होती है। स्किन से रेस्पायर करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? एक तो स्किन हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए, वहाँ पे अबेंडेंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, उसके साथ साथ उनकी स्किन जो होती है वो कैसी होनी चाहिए? मोइस्ट होनी चाहिए, और मोइस्ट स्किन से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो इनकी बॉडी में जो क्यूटिकल होता है वो कैसा होता है? मोइस्ट होता है। तो जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है उसको क्या बोला जाता है? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोला जाता है। और यहाँ पे क्यूटेनियस के साथ साथ कुछ एनिलीड्स में ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ब्रेकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू हो। ब्रेकियल रेस्पिरेशन क्या होता है? ऐसा रेस्पिरेशन जो एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू हो। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन के थ्रू होता है, और एक एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं? टिफ्लोसोल प्रेजेंट होते हैं। अब ये टिफ्लोसोल क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये इंटेस्टाइन में कुछ फोल्ड्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल में इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? कुछ फोल्ड्स होते हैं, उन फोल्ड्स को ही क्या बोला जाता है?
टिप्लोसोल बोला जाता है। और टिप्लोसोल का यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, ये जो फोल्ड्स होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और वो इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो टिप्लोसोल का फंक्शन क्या होता है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरागोगन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरागोगन सेल्स होते हैं। ये क्लोरागोगन सेल्स होते हैं वो एनालोगस होते हैं किसके, जो वर्टिब्रेट में लीवर होता है उसके एनालोगस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लोरागोगन सेल्स होते हैं उनका फंक्शन कैसा होता है, जो वर्टिब्रेट्स में लीवर होता है उसके जैसा ही फंक्शन होता है। स्ट्रक्चर हालांकि उसके जैसा नहीं होता, बट फंक्शन सेम जो वर्टिब्रेट्स में लीवर होते हैं उसके जैसा होता है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, एनालोगस टू वर्टिब्रेट्स लीवर। और क्लोरागोगन सेल्स अपन को कहाँ देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो अर्थ फॉर्म होता है उसमें क्लोरागोगन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इनमें डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे जो लार्वा होता है उसका नाम क्या होता है, ट्रोकोफोर लार्वा। और ट्रोकोफोर लार्वा किसका होता है, निरीज का। तो यहाँ पे जो निरीज होता है उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और उसके लार्वा का नाम क्या है, यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा होता है। नेक्स्ट अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो जो निरीज होते हैं उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया क्या होते हैं, लोकोमोटरी अपेंडेजेस होते हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और ये क्या होते हैं, बॉडी वॉल का एक्सटेंशन होते हैं। जैसे इस डायग्राम में अपन देख पा रहे हैं, ये किसका डायग्राम है, निरीज का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है, निरीज का डायग्राम है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, पैरापोडिया है। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये क्या है, पैरापोडिया है। और ये पैरापोडिया क्या होते हैं, बॉडी वॉल का एक्सटेंशन होते हैं। इस बॉडी वॉल से जो लोकोमोटरी अपेंडेजेस से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर निकल रहे हैं उनको क्या बोला जाता है, पैरापोडिया बोला जाता है। और ये किस में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नीरिस अपन ने देखा था एक्वेटिक होता है, तो ये जो पैरापोडिया होते हैं वो नीरिस को स्विमिंग में हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। और इनमें क्या होते हैं, सीटें भी प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। जो नीरिस होता है वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें क्या होता है, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फेरेटिमा, जिसको क्या बोला जाता है, अर्थवॉर्म बोला जाता है, जो कि फार्मर्स का क्या होता है, फ्रेंड होता है। और जो अर्थवॉर्म होता है वो मोनोइशियस होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, बाइसेक्सुअल होता है। मतलब यहाँ पे अर्थवॉर्म एक ही बॉडी में क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। अपन को पता है उसके बॉडी में क्या होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, तो अलग अलग सेगमेंट्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और अलग जो सेगमेंट होते हैं उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन जो अर्थवॉर्म होता है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। और रेस्पिरेशन की बात करें तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, अर्थवॉर्म की स्किन जो होती है वो क्या होती है, मोइस्ट होती है, एकदम चिपचिपी होती है और हाईली वस्कुलर होती है, जो कि किसमें हेल्प करती है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट लीच की अगर बात करें तो लीच क्या होती है, मोनोइशियस होती है, हर्माफ्रोडाइट होती है। यहाँ पे भी जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो लीच होती है वो पैरासाइट होती है, ऐसे पैरासाइटिक फॉर्म में पाई जाती है। और यहाँ पे लीच में एक हिरुडिन जो पिगमेंट होता है वो पाया जाता है, और हिरुडिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। और लीच में क्या देखने को मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अपन ने एनेलिडा में क्या बात की थी, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो किस में होता है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। बट अब लीच की बात करें तो लीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ट्यूबीफैक्स। तो अपन ने एनेलिडा में क्या क्या देखा, एनेलिडा में क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होता है, ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। और ट्रू सिलोम भी कौन सा वाला, साइजो सील देखने को मिलता है। यहाँ पे जो मेसोडर्म होता है वो ऐसे स्कैटर्ड पाउच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इनकी बॉडी में क्या होते हैं, ट्रू सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मेटामियर्स बोला जाता है। और ये ट्रू सेगमेंट्स किसकी वजह से होते हैं, एनुलाई की वजह से होते हैं, और इसी एनुलाई से एनिलिडा जो टर्म है वो डराइव हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, पैरापोडिया होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में
हेल्प करते हैं। और इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और एक्सटर्नल गिल्स के थ्रू होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। थैंक यू।